ट्रैफिक लाइसेंस मिल गया, कई बार उनका इम्तिहान भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता कि उनको कानून कायदे मालूम है या नहीं। मेरा उनसे अनुरोध है, जितने भी विभाग हैं जो कि लाइसेंस देने का काम करते हैं, उनसे मेरी प्रार्थना और अनुरोध है, कृपया पूरी तरह से उनका इम्तिहान लें, ताकि जितनी भी दुर्घटनाओं के बारे में अभी यहाँ पर लोगों ने बात की है, उनसे सब लोग बचे रहें। दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि ये तो रही कायदे कानून की बात, और जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं वो सब अपना बहुत ही नियमित रूप से और दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इस तरह मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी एक पुलिस अधिकारी है जो दूसरे जो गलती कर रहे हैं उनको देखता है और उनको सूचित करता है, उनको समझाता है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं जूहू पार्ले स्कीम में रहता हूँ और मैं जूहू पार्ले स्कीम में अक्सर अपनी गाड़ी चलाता हूँ और मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करता हूँ, और जो पालन नहीं करते हैं उनको मैं खदेड़ करके रोकता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि आपने गलती की है, आप वापस जाइए, आपने रेड लाइट क्रॉस किया है, आप गलत लेन में हैं, आप गलत तरफ से गाड़ी चला करके आ रहे हैं, उनको मैं वापस भेजता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक इंसान अगर अपने मन के अंदर ये ठान ले कि हमें शिक्षा देनी है उन लोगों को जो नियम तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत व्यापक ढंग से प्रचार हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आज जो ये अभियान थाने पुलिस ट्रैफिक की ओर से आज यहाँ पर आरंभ हुआ है, वो न केवल एक अभियान है बल्कि एक प्रार्थना है आप सबसे, आपकी बेहतर जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। कई वर्षों से ट्रैफिक को लेकर के मेरे मन के अंदर बहुत सी ऐसी विविधाएँ आ रही थी, और कई बार मैं पुलिस अधिकारियों से मिला हूँ और उनसे मैंने प्रार्थना की है कि कृपा करके इसके बारे में यदि कोई अभियान चलाना हो, कोई कैंपेन करना हो, तो अगर आप चाहें तो मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। और आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके आप मुझे अपने इस अभियान में सम्मिलित करें, कोई कैंपेन हो तो उसमें मुझे भाग लेने को कहें, ट्रैफिक के बारे में, उनके रूल्स, उनके नियमों के बारे में बात करनी हो तो कृपा करके मुझसे वो काम कराएं। अगर मैं गुजरात में टूरिज्म बेच सकता हूं तो इतना तो महाराष्ट्र के लिए कर ही सकता हूं। मैं एक बार फिर अपना आभार प्रकट करता हूं कि थाने ट्रैफिक पुलिस ने मुझे आज यहां आमंत्रित किया, इतना आदर सम्मान मुझे आप सब लोगों से मिला, इसी तरह आपका स्नेह प्यार मिलता रहे और मुझे यहाँ बार बार आमंत्रित करते रहिए, ताकि हम न केवल ट्रैफिक के बारे में, बहुत और सारी बातें हैं उसके बारे में भी बात करते रहेंगे। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है आज, ये मुझे बहुत ही अद्भुत लगा, और मैं श्री गोयनका जी को वो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये एक अद्भुत एक एप्लीकेशन है, और जितने भी, जैसे कि अभी महिला अधिकारी जी ने बताया कि थाने में जितने भी जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं उसको आप डाउनलोड करें और उसकी सुविधा जो आपको मिल रही है उसका उपयोग करें। मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे आप सब लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर आपको प्रणाम।